हेलो फट्टेटू, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस 34वें पार्ट के फैट टू फिट के वीडियो एपिसोड में। 18 साल की उम्र के बाद अच्छे खान पान, व्यायाम या दवाओं की मदद से आप अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं, यही है आज के इस वीडियो का विषय, जिसमें आप जानेंगे कि मनुष्य की लंबाई कैसे निर्धारित होती है, वयस्क होने पर लंबाई कैसे बढ़ाएं, कैसे रोकें आप अपनी लंबाई को कम होने से, और क्या वाकई लंबाई बढ़ाई जा सकती है या नहीं। ये और इनके अलावा और भी बहुत कुछ है आज आपके लिए इस वीडियो में। इस वीडियो का पिछला भाग भी जरूर देखिएगा, जिसमें हमने बात की है 10 ऐसे डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल के टिप जो आपको जिंदगी भर फिट बनाए रखने में काफी मददगार हो सकते हैं। दरअसल हम में से कुछ लोग अपनी लंबाई को लेकर खुश नहीं हैं। हम लंबे होने के उपाय खोजते रहते हैं, पर दुर्भाग्यवश यदि आप वयस्क हो गए हैं तो आप अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए कुछ खास नहीं कर सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आखिर मनुष्य की लंबाई कैसे निर्धारित होती है। दरअसल किसी की भी लंबाई का निर्धारण कई चीजों को मिलाकर होता है, जिनमें शामिल है आनुवांशिकता, लिंग, आपके और अभिभावकों की स्वास्थ्य की दशा, पोषण और एक्सरसाइज। रिसर्चों से यह पता चला है कि किसी की भी लंबाई के निर्धारण में 60-80% तक आनुवांशिक कारण जिम्मेदार होते हैं, और यदि किसी के माता पिता लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे। इसके उलट यदि अभिभावकों की लंबाई कम है तो बच्चे भी छोटे होंगे। इसके अलावा लिंग भी दूसरा महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। किसी की भी लंबाई के निर्धारण में, जैसे कि महिलाओं की लंबाई पुरुषों की तुलना में कम होती है। और इसके बाद नंबर आता है स्वास्थ्य का। कुछ बीमारियों की वजह से लोगों की लंबाई प्रभावित होती है, जैसे कि गिग्नाटिज्म, ड्वार्फिज्म, अर्थराइटिस, सिलियक रोग, कैंसर या ऐसी बीमारी जिसके इलाज में लंबे समय तक स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और मार्फन सिंड्रोम। और तीसरे स्थान पर आता है पोषण। जिन बच्चों को उचित मात्रा में पोषक आहार खाने में मिलते हैं, उनकी लंबाई लगभग अपनी ही उम्र के कुपोषित बच्चों की तुलना में 10% ज्यादा होती है। रिसर्चेस बताती हैं कि जिन बच्चों ने प्रोटीन, मिनरल, कैल्शियम व विटामिन से भरपूर पोषक खाना खाया है, उनकी लंबाई ठीक से बढ़ती है। इसके अलावा शारीरिक सक्रियता भी लंबाई बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होती है। जो बच्चे खूब खेलते और सक्रिय रहते हैं, उनके शरीर में ग्रोथ हार्मोन का स्राव भी अच्छा होता है और परिणाम स्वरूप लंबाई भी बढ़ती है। सामान्यतः लड़कियों की पूरी लंबाई 14 से 15 साल और लड़कों की 16 साल तक बढ़ जाती है। और आइए अब जानते हैं कि वयस्क होने पर अपनी लंबाई बढ़ाई जा सकती है या कैसे आप अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं। दरअसल वयस्क होने पर हड्डियों की ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाती हैं, इसलिए आप किसी भी तरह से अपनी लंबाई बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप लंबा दिखने के लिए कुछ उपाय जरूर आजमा सकते हैं। जैसे सबसे पहला उपाय यह है कि आप अच्छे बॉडी पॉस्चर को अपनाएं। एक खराब बॉडी पॉस्चर में रहने से आपको बैक पेन हो सकता है। बात केवल खड़े होने या बैठने की नहीं है, अच्छे बॉडी पॉस्चर से आप लंबा भी दिख सकते हैं और साथ में कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी बच सकते हैं, जैसे बैक पेन, हेडक या झुके हुए कंधे। और अच्छे बॉडी पॉस्चर के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे खड़े होते समय अपने कंधे को पीछे रखें, सर को शरीर के लेवल में सीधा रखें और घुटनों की तरफ देखना अवॉइड करें, बाहों को सीधा लटकने दें। और अब बात सही पोस्चर में बैठने की। बैठते समय अपने पैरों को जमीन पर सीधा रखें, अपनी कुर्सी में हाई सीटिंग की सेटिंग करें। ऐसा करने से पैर जमीन पर सीधे रहेंगे, पैरों को एक के ऊपर एक ना रखें, पीठ को पतले तकिए या तौलिए से सपोर्ट दें, कंधों को नेचुरल तरीके से रखें और ध्यान रखें कि अच्छा पोस्चर वर्टिब्रा में प्रॉपर स्पेस बनाता है, जिससे इंसान लंबा दिख सकता है। इसके अलावा दूसरे उपाय के तौर पर आप कोर मसल्स को मजबूत कर सकते हैं। आपका मजबूत मिड सेक्शन आपको अच्छा पोस्चर बनाए रखने में मददगार साबित होता है, जिससे लंबा दिखने में मदद मिलती है। कोर मसल्स पेट और स्पाइन को सपोर्ट करती हैं, और मजबूत कोर मसल्स के लिए आप कुछ व्यायाम जैसे प्लैंक, सुपरमैन और एब्डोमिनल क्रंच भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति लंबाई बढ़ाने के लिए तो कुछ नहीं कर सकता, पर आप अपनी लंबाई को घटाने वाले कारणों पर रोक लगा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे रोकें लंबाई कम होने से। 40 साल की उम्र के बाद
स्पाइन में ऑस्टियोपोरोसिस कंप्रेशन व अन्य कारणों से हर 10 साल में लंबाई आधा इंच तक कम हो जाती है और धीरे धीरे हमारी काफी लंबाई कम हो जाती है। इससे बचने के लिए कुछ उपाय आप अजमा सकते हैं, जैसे कि अच्छे पोस्चर के साथ आप उठिए और बैठिए, खाने में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाइए, मसल्स लॉस को रोकने के लिए वेट वेयरिंग एक्सरसाइज कीजिए, पानी और तरल पदार्थों का खूब सेवन कीजिए, स्मोकिंग को बंद करें और अपने शरीर को आराम भी दें। और अंत में हमारी सलाह यह है कि करोड़ों लोगों पर हुए रिसर्च में यह पाया गया है कि किसी भी उपाय को करके कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी लंबाई नहीं बढ़ा सकता। हाँ, आपकी कुछ अच्छी आदतें आपको लंबा जरूर दिखने में मददगार साबित हो सकती हैं। इसलिए भ्रामक विज्ञापनों के जाल में न फंसिए और ध्यान रखिए कि व्यक्तित्व लंबाई से कहीं ज्यादा मायने रखता है। और आप अपनी लंबाई को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय कर चुके हैं तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि इन उपायों का क्या कोई फायदा हुआ आपको। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।